भारत सरकार के सेवा सुशासन एवं गरीब कल्याण के 9 वर्ष पर 5 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन शिमला के रिज मैदान स्थित पद्मदेव कॉम्प्लेक्स में किया जा रहा है। 11 नवंबर तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में हुए चौतरफा विकास की झलक दिखाई गई। इसके साथ ही केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जनता को जानकारी भी दी जा रही है। प्रदर्शनी का आयोजन भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो के शिमला कार्यालय ने किया। शिमला के रिज मैदान पर केंद्र सरकार की प्रदर्शनी के तीसरे दिन राष्ट्र निर्माण प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार की प्रदर्शनी के तीसरे दिन शिमला के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। प्रदर्शनी स्थल पर लोगों की काफी भीड़ देखी गई, साथ ही लोगों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आनंद भी लिया। हिमाचल की लोक संस्कृति से ओतप्रोत इन सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में राष्ट्र निर्माण एवं सामाजिक चेतना का संदेश भरा हुआ था। नाटी की प्रस्तुति के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश भी दिया गया। वहीं नुक्कड़ नाटक के जरिए नशा मुक्ति का भी आह्वान किया गया। आज के कार्यक्रमों की सबसे खास बात यह रही कि रिज पर घूमने आए शिमला के आम लोगों एवं देश के विभिन्न स्थानों से आए पर्यटकों के लिए आयोजित की गई राष्ट्र निर्माण प्रश्नोत्तरी में भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में सवाल पूछे गए। विकास की दिशा में भारत सरकार द्वारा प्राप्त की गई ऐतिहासिक उपलब्धियों के बारे में भी प्रश्न पूछे गए। इस प्रतियोगिता में श्री सत्य प्रकाश, सुश्री संतोष तोमर, श्री चुन्नीलाल शर्मा, श्री कमल और श्री रंजीत रॉय ने प्रश्नों के सही उत्तर देकर पुरस्कार जीते। देखा जाए तो स्थानीय लोगों में इस प्रदर्शनी को लेकर खासा उत्साह दिखाई दी। लोग मनोरंजन के साथ साथ राष्ट्र निर्माण प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। यह प्रदर्शनी 11 नवंबर तक जारी रहेगी। डीडी हिमाचल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।